Hello, welcome to my channel Mathsomatic, makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 1 rational numbers exercise 1.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. हमको 7/4 और -5/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है. देखिए कैसे होगा. एक्सरसाइज 1.2, 1 का 1 ये दिया हुआ है 7/4, इसको हमको लिखना है नंबर लाइन में. 4/4 क्या होता है, ये 4/4 का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाएगा तो मेरा क्या आएगा 1, तो इसका मतलब ये हो गया है मेरा 1. तो अगर ये 1 है यानी कि 4/4 मेरा 1 है तो ऊपर में क्या है ये 7/4, तो 4/4 से हम लोग 7/4 तक कैसे जाएंगे, इसका मतलब ऊपर का नंबर चेंज होगा यानी कि 5/4, वैसे ही ये चेंज होगा 6/4 और फिर ये चेंज होगा 7/4, यहाँ पे ये होगा मेरा 4. ठीक है, इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो मेरा 7/4 कहाँ पड़ेगा, 7/4 पड़ेगा मेरा ये वाला. ठीक है, 7/4 मेरा हो गया ये पॉइंट, तो इसके बाद क्या आएगा मेरा 8/4, तो 8/4 क्या होता है, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि ये होता है 2, यानी कि ये है मेरा नंबर 2 और ये था मेरा नंबर 1. ठीक है, और ये था मेरा नंबर 0, तो ये बन गया मेरा नंबर लाइन जहां पे ये है मेरा 0 और ये है 1. 1 मतलब क्या हो गया 4/4. हम लोग 4/4 ही क्यों लिए, हम लोग 4/4 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ जो मेरे पास नंबर था 7/4 उसका डिनोमिनेटर क्या है, देखिए डिनोमिनेटर है 4, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख लिया 4. तो ऊपर हम लोग ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो ऊपर अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो मेरा आंसर कट के 1 आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 4/4 किया है. अब 4/4 होने के बाद 7/4 आराम से ले आ सकते हैं, ऊपर का चेंज कर दिया 5/4, 6/4, 7/4, तो 7/4 मेरा यहाँ पे आ गया और ये हो गया मेरा इसका नेक्स्ट 8/4, तो 8/4 मतलब क्या हो गया, कट किए तो 2, यानी कि ये जो मेरा 7/4 पॉइंट है ये 7/4 मेरा कहाँ आया, 1 और 2 के बीच में. ठीक है, वैसे ही देखिए नंबर 2, ये कहता है -5/6, तो -5/6 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नीचे में मेरा क्या है 6, तो इसलिए हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा 0 पॉइंट. ठीक है, जैसे यहाँ पे था एक पॉइंट 0 पॉइंट, वैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंट्रल पॉइंट यानी कि एक 0 पॉइंट ले लिया. फिर नीचे में क्या है 6, तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में लिख लेंगे 6, तो 6/6 क्या होता है, 6/6 मेरा हो जाएगा 1, इसलिए देखिए ये है मेरा 6/6 और ये है मेरा -6/6, तो 6 1 6 मेरा आंसर आया -1 और यहाँ पे देखिए 6/6 करेंगे तो आंसर आएगा 1. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कहता है -5/6 यानी कि -6/6 हो गया, तो यहां से हम -5/6 के लिए कहाँ जाएंगे, इसके पहले ये हो गया मेरा -5/6, तो ये वाला पॉइंट जो है -5/6 ये आ गया मेरा ये वाला पॉइंट. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस पॉइंट को निकाल लिया. तो हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर हम लोगों के पास होना चाहिए और उस डिनोमिनेटर को यूज करके हम लोग ऊपर में सिमिलरली एक नंबर लिखेंगे ताकि मेरा आंसर 1 में आ जाए. यहाँ पे जैसे कि 1 में आ गया था 6/6 यानी कि -1, तो हम लोग 6/6 हो गया तो -5 कहाँ पड़ा, उसके राइट में. इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था -5/6, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था 7/5. ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. हमको ये तीन नंबर्स को नंबर लाइन में लिखना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका भी 11 है, इसका भी 11 है और इसका भी 11 है, तो मेरा 1 क्या आएगा, तो मेरा नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा,
नंबर वन मेरा होगा, नीचे में तो 11 दिया हुआ है तो ऊपर भी मेरा क्या होगा 11 होगा, 11 वन जा 11 कट के मेरा 1 आएगा, इसलिए 1 जहां पे होगा वो हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन में 11/11। देखिए यहां पे देखिए ये है मेरा 0, ठीक है, तो 1 कहां पे आएगा, 1 आएगा मेरा 11/11 में, ये है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/11 में 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ में जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, यानी कि ये हो गया मेरा -11/11। तो -11/11 क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये किसमें है माइनस में है, तो ये हो गया मेरा -1। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है -2/11, -5/11, -9/11। देखिए ये अगर 0 है और ये मेरा -1 है यानी कि -11/11 है, तो -2/11 क्या होगा, ये हो गया मेरा -1/11, इसलिए ये हो गया -2/11, फिर ये -3/11, -4/11, ये हो गया मेरा -5/11, वैसे ही -6/11, -7/11, -8/11, ये हो गया -9/11, ये है -10/11 और ये था मेरा -11/11 जो कि था -1। इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पे मार्क किया है फ्रैक्शन नंबर्स को। कहता है बिटवीन 0 and 1 एंड 0 to -1 देयर आर 11 इक्वल पार्ट्स बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 11। तो जैसा मेरा डिनोमिनेटर दिया होगा क्वेश्चन में, हमको उसके हिसाब से फ्रैक्शंस को लिखना है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। यहाँ पे हम लोगों को 2 से स्मॉलर रैशनल नंबर लिखना है, कितना 5। देखिए कैसे होगा, नंबर स्मॉलर देन 2 क्या है मेरा 1, तो 2 से मेरा छोटा कौन होता है 1 होता है, इसलिए हम लोगों को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। देखिए कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस 2/1 and 1/1, यानी कि हमको क्वेश्चन में बोलता है कि हमको फ्रैक्शन नंबर लिखना है जो कि मेरा 2 से छोटा हो, यानी कि मेरा 1 से 2 के बीच में जो भी मेरा फ्रैक्शन नंबर होगा वो मेरा 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सिंस डिनोमिनेटर इज 1, यानी कि 2 मतलब क्या होता है 2/1 और 1 मतलब क्या होता है 1/1, तो हमको इसके बीच में लिखना है कितना 5 फ्रैक्शन नंबर्स। तो देखिए सिंस डिनोमिनेटर इज 1 वी विल यूज मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि नीचे में अगर देखिए दोनों का 1 है तो हम लोग नीचे ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सके। नीचे में हम लोगों ने 1 × 10 किया है यानी कि 10, लेट आवर डिनोमिनेटर भी 10, तो क्या हो गया 1 था मेरा नीचे में तो ये मेरा 2/1 था, तो 1 × 10 हुआ तो ऊपर भी × 10 हो गया, ये क्या हो गया 20/10, ये था मेरा 1/1, तो नीचे मेरा क्या था × 10, ऊपर भी हो गया × 10, ये क्या हो गया 10/10। तब सो एनी रैशनल नंबर बिटवीन 20/10 and 10/10 इज स्मॉलर देन 20/10, यानी कि 2। 20/10 मतलब क्या होता है 2, 10 × 20 यानी कि 2। तो कोई भी रैशनल नंबर 20/10 और 10/10 के बीच में है तो वो मेरा 2 से छोटा है। देखिए रैशनल नंबर्स बिटवीन 20/10 and 10/10 क्या क्या हो सकता है, 20 से लेके 10 तक जो भी नंबर है वो मेरा उस रैशनल नंबर में चलाएगा, जैसे कि 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10, 14/10, 13/10, 12/10, 11/10। हमको यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में एनी 5 ऑफ दी अबव रैशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन 2। यहाँ पे इतना सारा रैशनल नंबर जो है वो मेरा 2 से छोटा है, ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं अपने आंसर के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 18/10, 16/10, 15/10, 13/10 और 11/10, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये बोलता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमको 10 रैशनल नंबर्स खोजने के लिए बोल रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इसका 5 है और इसका है 2, यानी कि अलग अलग है। तो क्या करेंगे सेम करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए हम लोग करेंगे LCM। तो LCM ऑफ 5 एंड 2 इज 10। लेट अस टेक मल्टीपल ऑफ 10, दैट मींस 10 वन्स आर 10, 10 टूज आर 20, 10 टेन्स आर 100। ये हो गया इसका मल्टीपल 10 का। तो ये क्या करेंगे हम लोग, कंसिडरिंग डिनोमिनेटर टू बी 100, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 100 पकड़ लिया, यानी कि 10 इंटू 10 100 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। आप कोई भी नंबर पकड़ सकते हैं, आप 20 भी पकड़ सकते हैं, आप 10 भी पकड़ सकते हैं, और आप 30 पकड़ सकते हैं, 40 पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोलता है कि 10 रैशनल नंबर्स उसको चाहिए, तो 10 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 100 लिया है। ठीक है, देखिए कंसिडरिंग डिनोमिनेटर टू बी 100, तो क्या हुआ इससे, तो 100 नीचे लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास फ्रैक्शन था -2/5, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन हमको दिया हुआ था क्वेश्चन, तो उसको हम लोगों ने 100 कैसे किया, 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100, तो नीचे में 100 आ गया, जो कि हम लोगों ने लिया था कंसिडरिंग डिनोमिनेटर टू बी 100, इसलिए नीचे 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई किया गया, ये क्या हो गया -40/100। वैसे ही यहाँ दिया हुआ था हमको 1/2, तो नीचे में क्या किया हम लोगों ने -50 किया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लाना था नीचे में 100, तो नीचे 50 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर 50 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 50/100। अब यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -40/100 एंड 50/100 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन दो नंबर्स यानी कि ये -40 और 50 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो मेरा उन दोनों नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर होगा। जैसे कि ये देखिए -35, -22, -13, -7, -1, 4, 17, 26, 36, 44, तो ये जितना सारा फ्रैक्शन नंबर्स है हर किसी के नीचे 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये हो गया है मेरा रैशनल नंबर्स, जो मेरा -40 से लेके जो मेरा -40/100 से लेके 50/100 के बीच में आता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, फिर कहता है -3/2 एंड 5/3, फिर कहता है 1/4 एंड 1/2। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था, हम लोग क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे में 3 है और नीचे में 5 अलग अलग है, नीचे में 2 है नीचे में 3 है अलग अलग है, नीचे में 4 है नीचे में 2 है अलग अलग है, यानी कि हम लोगों को एक कॉमन डिनोमिनेटर लेके आना है और फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए नंबर 5, इसका 1 देखिए 2/3 एंड 4/5, यहाँ पे देखिए नीचे 3 है नीचे 5 है, LCM क्या हो गया इसका 15। अब देखिए LCM 15 हो गया, तो इसको हम लोगों ने टेकिंग मल्टीपल किया है, यानी कि 15 का मल्टीपल ले लिया हम लोग, 15 इंटू 10 यानी कि 150, हम लोगों ने 10 का ही मल्टीपल लिया है। जैसे ऊपर भी यहाँ पे भी हम लोगों ने इंटू 10 ही किया था, इसलिए हम लोगों को 100 मिला था और हम लोगों ने 100 को कंसिडर किया था एज डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ भी हम लोगों ने 15 जो निकला था LCM उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 150 को पकड़ लिया है डिनोमिनेटर में, कंसिडरिंग 150 टू बी द डिनोमिनेटर। ये क्या हुआ, हमको दिया हुआ था 2/3, तो हम लोगों ने क्या किया नीचे लेके आया 150, ये क्या हो गया 3 इंटू 50 यानी कि 150, 2 इंटू 50 यानी कि 100, ये हो गया मेरा 100/150। फिर नेक्स्ट वाला है मेरा 4/5, ये क्या हो गया नीचे में मल्टीप्लाई किया इंटू 30 यानी कि ये हो गया मेरा 150। सिमिलरली ऊपर भी मल्टीप्लाई किया गया इंटू 30 से, ये हो गया है मेरा 4/3=12 यानी कि 120। तो मेरे पास जो नया फ्रैक्शन आ गया है वो है मेरा
100 बाई 150 और 120 बाई 150। तो ये हो गया है मेरा नया रैशनल नंबर्स। और इसमें से हम लोगों को अब कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। जैसे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 100 बाई 150 एंड 120 बाई 150 आर 102 बाई 150, 107 बाई 150, 111 बाई 150, 115 बाई 150 एंड 118 बाई 150। कोई भी नंबर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं जो कि मेरा 100 से और 120 से बीच में आए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, -3/2 एंड 5/3। सिमिलरली -3/2 एंड 5/3 का यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 अलग अलग है। हम लोगों ने एलसीएम किया है 2 और 3 का जो कि है 6। वैसे हम लोगों ने इसको मल्टीपल लिया है, टेकिंग मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरली 6×10 किया है, यह आ गया है 60। 60 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया है कंसिडरिंग 60 टू बी दी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हो गया है मेरा, दिया हुआ इक्वेशन था 3/2, यानी कि ये था मेरा -3/2। तो -3/2 दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोगों को नीचे क्या लेके आना है, ये आ गया मेरा नीचे में 60। तो 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2×30। तो नीचे में 30 से मल्टीपल हुआ तो ऊपर में 30 का मल्टीपल हो गया, ये हो गया मेरा 2×30 यानी कि 60। फिर -3×30 यानी कि -90। तो ऊपर नीचे दोनों ही हम लोगों ने 30 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लोगों को डिनोमिनेटर में 60 लेके आना था। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो दिया हुआ था 4/5। यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, तो नीचे वाला क्या लाना था हम लोग को 60। तो 5 से ऐसा क्या करेंगे, 60 आएगा, 5×12 कर देंगे तो 60 आता है। तो नीचे में अगर 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया मेरा 4×12 = 48/60। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -90/60 एंड 48/60। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -90/60 एंड 48/60 आर ये सारा -80/60, -40/60, -10/60, +20/60 एंड 40/60। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बीच में से कोई 5 रैशनल नंबर्स लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप और भी कोई रैशनल नंबर्स ले सकते हैं जो -90 और 48 के बीच में आए, और नीचे मेरा रहेगा 60। ओके, ये है नंबर 3, 1/4, 1/2, यहाँ 4, यहाँ 2, एलसीएम ले लिए तो 2 और 4 का क्या आया 4। वैसे ही देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल लिया है 4 का, यहाँ पे क्या किया 4×10 यानी कि 40। कंसिडरिंग 40 टू बी दी डिनोमिनेटर, नीचे हम लोगों ने कंसिडर किया 40 को, तो क्या हुआ देखिए, यहाँ दिया हुआ था हमको 1/4, तो 1/4 दिया हुआ है, नीचे क्या चाहिए 40। तो क्या करेंगे, 4×10 करेंगे तो 40 आ सकता है, तो नीचे 10 किया तो ऊपर भी 10 करना पड़ेगा, यानी कि 1×10 यानी कि 10, तो 10/40। अब ये हो गया मेरा 1/2 दिया हुआ था हमको, हमको नीचे में लाना है 40, ये क्या हो गया 2×20 यानी कि 2×2=4 यानी कि 40। तो नीचे में 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि 1×20 यानी कि 20, ये हो गया मेरा 10/40 एंड 20/40। मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 5 रैशनल नंबर्स निकालेंगे 10/40 एंड 20/40 के बीच में। तो देखिए 40-40 सेम है, तो 10 और 20 के बीच में हम लोगों को 5 ऐसा नंबर लेना है जो कि मेरा इन दोनों के बीच में आ जाए। जैसे कि 11/40 हो गया जो कि मेरा 10 और 20 के बीच में आता है, वैसे ही 12, 15, 17 और 19, ये मेरा 10 और 20 के बीच में आता है, इसलिए ये मेरा 5 रैशनल नंबर्स हो गया जो मेरा 10/40 एंड 20/40 के बीच में है। अब देखिए नंबर 6, नंबर 6 कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़ा कोई भी रैशनल नंबर हो उसको लिखना है, कितना चाहिए हमको 5। देखिए कैसे होगा, ये है नंबर 6, नंबर ग्रेटर देन -2 इज -1, यानी कि -2 से बड़ा नंबर कौन है -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, -2 को हम लोग लिख लिए हैं -2/1 और -1 को हम लोग लिख लिए हैं -1/1। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में हम लोग 1 रखेंगे तो उससे मेरा वो नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो मेरा -2 ही है, ये मेरा -1 ही है, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, यहाँ पे अब हम लोग 1 का जो है मल्टीपल निकाले हैं, जैसे कि 1×10 यानी कि 10। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मेरे पास था -2/1, तो यहाँ पे क्या किए हैं, इंटू 10 किए हैं और ऊपर भी इंटू 10 किए हैं, तो क्या हो गया,
ये हो गया 10 नीचे में, ऊपर हो गया -20। यहाँ मेरे पास था -1/1, यहाँ भी हम लोग नीचे में इंटू 10 किए हैं, ऊपर इंटू 10 किए हैं, तो क्या हो गया -10/10। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -20/10 और -10/10। तो इसके बीच से हम लोगों को निकालना है 5 रैशनल नंबर्स। तो -20 और -10 के बीच में कौन सा नंबर आता है, देखिए यहाँ पे -20 और -10 के बीच में क्या है, -19 है, -18 है, -15 है, -14 है, -12 है। तो ये सारे जो नंबर है -19, -18, -15, -14, -12, ये सारा नंबर जो है वो -20 और -10 के बीच में आता है ना। तो इसलिए मेरा ये हो गया रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम लोग ने इसको नीचे में बाय 10 किया है, क्योंकि यहाँ भी सब में बाय 10 था। तो इस तरीके से हम लोग -2 से जो कम है रैशनल नंबर्स उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था 5 रैशनल नंबर्स, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एक रैशनल नंबर है और 3/4 भी एक रैशनल नंबर है। कहता है कि इन दोनों के बीच में से हमको 10 यानी कि 10 रैशनल नंबर्स निकालना है। देखिए ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, ये है मेरा 3/5 एंड 3/4। यहाँ पे देखिए नीचे 5 है, नीचे 4 सेम है, नहीं तो यहाँ पे हमको सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 क्या होता है, 20। ये हो गया मेरा नीचे में 20। तो मल्टीपल ऑफ 20 क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 20 हो जाएगा मेरा 20 इंटू 10 करेंगे हम लोग, यानी कि ये हो गया मेरा 200। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा एलसीएम आए उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें। इसलिए करें क्योंकि मेरे पास जो नंबर आए ना वो बहुत बड़ा नंबर आए, ताकि मेरे पास जो फ्रैक्शन का जो लिमिट हो वो ज्यादा हो, ताकि हम लोग बहुत सारा एक रैशनल नंबर निकाल सके। देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, 200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मेरे पास दिया हुआ था क्या 3/5, हमको नीचे में क्या लाना है, नीचे में लाना है हमको 200, कंसिडरिंग 200 टू बी इन दी डिनोमिनेटर। तो इसलिए 5 से हम लोग 200 कैसे लाएंगे, इंटू करेंगे 40 को, जब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं 40 से तो ऊपर भी करेंगे 40 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा 3/4 = 12 यानी कि 120 by 200। सिमिलरली ये है मेरा 3/4, तो यहाँ पे हमको नीचे में क्या लेके आना था 200, क्योंकि यही मेरा कह रहा है कि कंसिडरिंग 200 टू बी इन दी डिनोमिनेटर। तो इसलिए 4 को हम लोग क्या करेंगे कि 200 आए, 4 इंटू 50 किए तो आया मेरा 200, तो इसलिए ऊपर भी हो गया मेरा इंटू 50, ये क्या हो गया 150/200। Therefore, 10 rational numbers between 120/200 and 150/200 are, ये सारा रैशनल नंबर्स है जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। आप इसको छोड़ के और दूसरा रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं जो कि मेरा 120 और 150 के बीच में आए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 121/200, फिर लिखा है 126/200, 133/200, 135/200, 138/200, 140/200, 141/200, 144/200, 147/200, 148/200। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 123/200, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 130/200, ओके, ये भी आंसर मेरा सही होगा। कहने का मतलब है कि 120 से लेके 150 के बीच में आप कोई भी नंबर लिखिए और नीचे में 200 को रखिए, तो वो मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा जो मेरा 120/200 एंड 150/200 के बीच में होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे और दिए हुए रैशनल नंबर्स के बीच में कितना रैशनल नंबर्स आएगा उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।